मैं तो भूल ही गई कि मैं फ्रूट्स वेजिटेबल बाई करने आई थी। एक्चुअली वेट इसलिए लेते हैं ना, पहले गाड़ी के साथ पूरा सामान के साथ वेट लेते हैं। $35 का है। और मजेदार बात दिखाऊं, मेड इन इंडिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। अभी मैं और श्री निकल रहे हैं, कुछ काम है उसके लिए। एक्चुअली कुछ बड़ा सा आइटम है जो डंप यार्ड में हमको डालना है और वो ट्रैश वाले लेकर नहीं जाते हैं। वुड का, वो वुड की बड़ी बड़ी सीट है तो वो ट्रैश वाले लेकर नहीं जाते हैं, तो उनको हमें खुद वहाँ जाकर डंप करना होगा या फिर 1-800 जंक को बुलाना होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। अराउंड $200 के करीब पड़ जाता है। और हम खुद जाकर डालेंगे तो सस्ता ही पड़ेगा, $15-20 में हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जितना उस चीज़ का वेट होगा। तो बड़ा फर्नीचर है या फिर जो हम सीट डालने जा रहे हैं वुड का, तो हमें खुद ही डालना होगा। और हमारे घर से पास में ही है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, तो हमने सोचा कि हम खुद ही जाकर वहाँ डाल कर आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी हमने लोड कर ली है और बस हम निकलने वाले। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ, और दिखा पाऊँगी तो दिखा दूँगी आपको। जाती है फिर गर्मी हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है, तो अभी ठंड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, इसलिए जैकेट पहनी और मास्क अभी भी लगा लेती हूँ। और चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ पोलन गाड़ी के ऊपर कितना है। ये देखिए गाइस, ये है पोलन जो आपको डस्ट की तरह दिख रहा है ना, ये जो डस्ट की तरह दिख रहा है ये पोलन है। ये भी ट्रस्ट कर देंगे। या ठीक है, ये देखिए, चलिए फिर फेंकते हैं सब। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 70 की स्पीड है यहाँ पे। हरियाली कितनी अच्छी है। 65 मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। पहले से ही लाइन लगी, सही लाइन पे लाइन तो लगी रही। मुझे लगता है जितना लेट आओगे उतना कम होता है, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा रहता होगा, हो सकता है। या एवरीबॉडी विल टारगेटिंग मॉर्निंग में ना, तो कल। और फिर इनको गाड़ी का वो वेट भी लेना होता है ना, तो एक एक को लेकर जाते हैं। सो गाइस, ये है डंप यार्ड। हम दूसरे साइड में जाएंगे, और ये जो ब्लैक बॉक्सेस बड़े बड़े आप देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे घर के सामान, शूज, कपड़े या और भी जो छोटी छोटी चीजें हों इसमें डंप कर सकते हो। वहाँ पर देखिए कोई डाल भी रहा है, सारे डाल रहे हैं। यहाँ पर हमें अभी वेट करना है अपने टर्न का, क्योंकि गाड़ी का वेट भी लेते हैं। एक्चुअली वेट इसलिए लेते हैं ना, पहले गाड़ी के साथ पूरा सामान के साथ वेट लेते हैं, तो जब आप जाते हो डंप करके आते हो वापस, फिर वेट लेते हैं, तो उनको डिफरेंस पता लगता है कितना डंप किए। अच्छा, कितना गाड़ी का वेट था और कितना सामान का था, तो उस हिसाब से चार्ज भी करते हैं ना। 100 pound पे $4 है ना, आई थिंक। कल हमारा 240 pound था, लगभग $9 कुछ लगा था। हाँ, तो कितना सस्ता है। और उनको बुलाओ महंगा पड़ता है, या उस टाइप की और भी कंपनियां होती हैं। हो गया, यहाँ से निकल गया। वो बोल रहा था ना कि वुड है ना, इसीलिए चार्ज कर रहा है। ओके, तो चीजें नहीं चार्ज कर, उस बंदे का नहीं चार्ज किया देखा। अच्छा अच्छा, जो घर के फर्नीचर है उसका चार्ज नहीं है। घर के फर्नीचर है और स्टफ्स है, कोई नहीं। ये वाली बिल्डिंग है, इसी में हमें डंप करना है उधर से जाकर। चलो यार, यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं? यस, बहुत बड़ा। कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आजकल 2 साल से ऊपर हो गया था, 3 साल। देखिए आगे ट्रक है, जब वो मंगाए थे फर्नीचर तब से है। ज्यादा ही हो गया, आई डोंट नो कितने का, कितना पाउंड हुआ? ऑलमोस्ट लाइक 500 पाउंड के करीब हो जाएगा, क्योंकि 240 पाउंड कल था और आज भी लगभग उतना ही पता चलेगा अभी। तो सोचो जब फर्नीचर मंगाए थे, शिपिंग फ्री थी, फर्नीचर प्लस इतना पाउंड उसकी पैकिंग। लेकिन ये वुड नॉर्मल नहीं थे, हैवी थे। इसका जैसे कोई होता हैंडीमैन वो तो किसी यूज में निकाल लेता। So yesterday was exact same.
ये भी आश्चर्य की बात है ना। एग्जैक्टली जितना कल ड्रॉप किया था उतना ही आज ड्रॉप किया है। एक्चुअली वही गाड़ी का साइज में ना जितना का आइडिया लग गया था कल डालते डालते इतना ही चाहिए आएगा उतना ही आज $9.60 पर $4 है $240 आज भी रहा होगा। चले यार बिग रिलीफ मिला देखकर अच्छा भी नहीं लगता था। नहीं वो पूरा नीचे का पैटियो खराब हो गया था एकदम, मतलब खराब नहीं मतलब इतना ट्रायल्स भरा पड़ा था, अब क्लीन करूंगा पूरा मस्त एकदम समर में। सो गाइस अभी हम लोग वापस आ गए घर और श्री कुछ पीछे दिखाने जा रहे हैं, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। इसके अंदर अब एक दिन वैक्यूम लगाऊंगा जब कभी वो एरिया था ना वैक्यूम नहीं वो कह रहा हूँ ब्लोअर ब्लोअर लगा के पूरा साफ कर दूंगा तो अच्छा लगेगा। पैटियो बैठने बंद हो गया था इधर भी मल्चिंग हो गया अच्छा हो गया पूरा काम ये हो गया ना करो ये तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ये निकले एक टाइम था यहाँ पे मैं फ्लावर गार्डन बना रही थी बना ही नहीं इतना ईंटा पत्थर अंदर है उपजाऊ भूमि नहीं भूमि उपजाऊ है ये सब अंदर जा रही हूँ मैं अंदर चलो। अभी अभी वापस आए हम लोग घर और एक बहुत बड़ा काम हो गया तो एक बिग रिलीफ मिला। घर पहुंचते ही श्री ब्रूनो को लेकर निकल गए थे वॉक कराने के लिए। चले आ रहे हैं वॉक करते हुए ये हो गई वॉक बाहर आवाज आ रही है ना इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा ये वाला आ गया। कोई नहीं सो फ्रेंड शावर लेने के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। शावर लेने के बाद पूजा भी मैं कर ली हूँ और मेरा चाय भी हो गया है लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। लंच में मेरे आज क्या है मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ और ऊपर से ब्रूनो के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। ये है आज मेरे लंच में पनीर की सब्जी है और कढ़ी है ब्राउन राइस। सो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया है और अब मैं निकल रही हूँ बाहर मिल्क बाय करने के लिए। मिल्क ख़त्म है और शाम की चाय बिना मिल्क के तो हो ही नहीं सकती है। कितने प्यारे प्यारे फूल निकले हुए हैं और इधर ग्लैंडियस में कलियाँ आई हुई हैं और इसमें भी फूल आने वाले हैं। बहुत खूबसूरत कलर का आता है वो पिंक। अभी आ गई हूँ मैं सिर्फ मिल्क लेने के लिए और चलिए अब अंदर चलते हैं। बाहर ही बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। $17 का एक गमला है ये वाले $25 के हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी मिल्क वाली प्लेस पे मिल्क लेने। ये देखिए कितनी ढेर सारी वैरायटी चीज़ की। और ये ऊपर हैं क्रैकर्स और ये है ब्रेड की लाइन। यहाँ का काम हो गया अब चलिए यहाँ से निकलते हैं कि बहुत सी चलते चलते ब्रेड भी उठा लिया मैंने। सो फ्रेंड्स यहाँ का काम तो हो गया अब बगल में ही है ओल्ड नेवी तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक राउंड वहाँ का भी मार्केट चलते हैं बहुत टाइम हो गया गई नहीं वहाँ पर। चलिए आप लोग को भी घुमा कर लाती हूँ। चलिए चलते हैं इसके अंदर। $25 का टॉप है ये $35 का है और मज़ेदार बात दिखाऊं मेड इन इंडिया। सो गाइस मैं यहाँ से निकल ली हूँ और ओल्ड नेवी को इनका टोकन मनी दे दी हूँ अर्थात मैंने शॉपिंग कर लिया है और मुझे पता नहीं था कि मेरा कुछ रिवॉर्ड है यहाँ पर तो मजा ही आ गया।
अब पता नहीं किसने किसको टोकन मनी दिया है, मैंने इनको दिया या उन्होंने मुझे, बट जो भी है मेरा तो दिन बन गया। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा उधर भी हो ले अब अपने फेवरेट वाली शॉप में, कोल्स में। सो फ्रेंड्स, मैं वापस घर आ गई और कोल्स जाने का जो प्लान किया था मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि गाड़ी में मैंने मिल्क रखा हुआ था, ख़राब ना हो जाए इस वजह से। और ओल्ड नेवी से क्या लेकर आई हूँ मैं, चलिए आपको अंदर दिखाती हूँ। बस एक टॉप है और कुछ नहीं है, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक टॉप, कुछ सैटन में है, सैटन का फैब्रिक है और पहनने पे अच्छा लग रहा था, तो ये ले आई हूँ मैं, जस्ट वन, वॉक अराउंड गई थी। ब्रूनो कैसे बैठ कर देख रहा है, जैसे कोई स्टोरी टाइम चल रहा है। हे ब्रून, अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, अभी मेरा मसाला रेडी हो रहा है और इधर है बॉयल्ड एग, तो आज बनने वाला है एग करी। अभी इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन पीस, अच्छा लगता है एग करी में, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, और ये फ्रोजन है। सो फ्रेंड, श्री आ गए हैं ऑफिस से और उनको लगी है भूख, तो मैं उनके लिए रोटी गर्म कर रही हूँ, एक्चुअली फ्रोजन है इसलिए लो जली हुई, बच गई और उनका डिनर निकाल रही हूँ जी। तो ये है श्री का डिनर और ये रहे श्री, खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। वो देख रहा था टीवी में, लुक्स गुड, खाकर देखिए यम्मी भी है। और अभी अभी प्लान बना है कि डिनर करने के बाद हम जाएंगे फिर से वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने के लिए। देखिए ये वीकली काम है तो इससे तो पीछा छूटेगा नहीं, हर वीक ही जाना रहता है। तो चलिए मैं भी अपना डिनर कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जैसे अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं वेजिटेबल्स वगैरह बाय करने के लिए, टाइम क्या हो रहा है, 7:45 हो रहा है और कितना दिन है, आजकल यही है ना, गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है तो अच्छा है। रोटी रहती है पता नहीं चलते पहाड़ा, देखो तो देखा पहाड़ा ये खाई है उधर नदी है, लेकिन मेरे को ऐसे फील नहीं होता, बिल्कुल नहीं फील होता कि पहाड़ी है एरिया है। आपको फील कराने के लिए क्या किया जाए, हिमाचल जाना पड़ेगा। कि हम लोग आए हैं डॉलर ट्री में, यहाँ पर सारा सामान $1 का तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ $1 to $5 तक की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ देखना था, तो गई अभी याद नहीं आ रहा क्या देखना था, आई थिंक पॉट वगैरह देखेंगे ये पीछे, तो पहले यहाँ चलते हैं उसके बाद हम जाएंगे वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए। अभी मैं बोल रही थी कि $1 to $5 तक की चीज़ें मिलती हैं, बट अभी तक मुझे 5 की कोई दिखी नहीं है, $1.25 की ही दिख रही है हर चीज़। दो फ्रिज में आइसक्रीम आइसक्रीम है $5। अच्छा हाँ, उधर फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन आइटम में था $5 का, तो वही है 1 to 5 तक का ही होता है, बट सामान सारे $1.25 के ही हैं। yes. इधर किचन के भी सामान है, मैटन वगैरह है और ये बेकिंग ट्रे, स्पैचुला वगैरह सब कुछ है। कुछ सामान हमने बाय कर लिया है, अब आई थी जो लेने वो दिखा नहीं, प्लांटर मुझे पसंद नहीं आया, बहुत हल्के हल्के वेट के थे। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। क्या बोल रहे थे आप? ये डॉलर शॉप जो है ट्रू डॉलर शॉप था, 99% चीजें जो है एक एक डॉलर $100 की ही थी, बस कुछ कुछ चीजें छोड़ के सारे कुछ $100 को। आ गई फिर से अपने वीकली प्लेस पर, लोग एक चीज दिखाती हूँ, मिठाई की दुकान, और यहाँ गन्ने का जूस भी मिलता है, स्वीट्स भी मिलता है और आई थिंक पान है, क्या दिखाती हूँ, ये वाले ऑरेंज हैं $1 में 2, एक बॉक्स है $2 का। और यहाँ मैंने देखा ये मनी ट्री प्लांट लिखा हुआ है और ये $20 का है
और ये है बैम्बू प्लांट, ये है $18 का, और ये है जैस्मिन प्लांट जो कि है $12 का। आई थिंक 4 ठीक है क्योंकि बाद में वो गलने लगता है। हाँ, खीरे की वैरायटी देखिए, ये एक ये जो मैंने लिया है, और एक ये है अमेरिकन क्यूकम्बर, ये अपना इंडिया वाला। मैं तो भूल ही गई कि मैं फ्रूट्स वेजिटेबल बाई करने आई थी, मैं आपको दिखाने में लग गई। अब मैं फटाफट लेती हूँ और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। गाइस हमारी यहाँ की शॉपिंग हो गई है डन और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आए हैं और आज का सारा काम हो गया और अब हम लोग देखेंगे TV और बस आज का पूरा दिन ख़त्म। और आज की मैं मेरी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड गुड नाइट।